चित्र पक्ष की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ किरण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम पितृ पक्ष की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ किरण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। हर एक वर्ष में श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, करके दान पितरों के ऋण से मुक्ति पाते हैं। क्योंकि जब पितृ संतुष्ट हो घर में शांति आए, आशीर्वाद से पितरों की अनहोनी भी टल जाए। पितृ पक्ष में करना चाहिए का दान, जाता है ये सीधा ही अपने पितरों के नाम। 16 दिन के लिए पितृ धरती पर आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ किरण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। पितृ पक्ष की कथा सुनाई जो है बड़ी प्राचीन, सदियों से चलती आई महाभारत के काली। महाभारत में कर्ण ने जब थी वीर गति पाए, खाने को मिला सोना चांदी भूख जो लग आई। कर्ण ने आकर इंद्रदेव से बात यही पूछी, सोना चांदी भी भगवान क्या चीज है खाने की। बोले तर्पण नहीं हुआ तो रोके ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ किरण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। से सम
जिसे सुनकर हो जाते हैं हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महारा रखना बच्चों की लाज, जय हे पितृ महाराज रखना बच्चों की लाज। के हेलाए सोलह दिन के लिए करण जब धरती पर आए, वैसे ही सबके पितृ धरती पे आते हैं, जो देश श्रद्धा भाव से वंशज खुद ले जाते हैं। पितृ पक्ष में श्रद्धा भाव से करना चाहिए दान, इसी बहाने हो जाता है सम्मान। एक पौराणिक और कथा पितरों की जाति पाई, जोगी भोगी नाम के भक्तों दोनों थे सगे भाई। उन दोनों के बारे में अब तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ किरण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज रखना बच्चों की लाज, जय हे पितृ महाराज रखना बच्चों की लाज। पक्ष आए बोला कि मेरे घर वालों को भोजन करवाए, इसी बहाने पितरों का भी हो जाए पुण्यदान। किंतु पत्नी की बातों पर दिया ना सुने ध्यान, घर की टाल मटोल बात वो टालना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते किरण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज रखना बच्चों की लाज, जय हे पितृ महाराज रखना बच्चों की लाज। जोगी की ससुराल पक्ष के लोग भी आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ किरण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज रखना बच्चों की लाज, जय हे पितृ महाराज रखना बच्चों की लाज।
बेचारी, फिर पितरों की नाम की दीदी उसने अगियारी। जोगी और भोगी के पितर फिर तो गए हैं आ, पहले पितरों ने जोगी के घर जाकर देखा। वो तो रिश्तेदारों को भोजन करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ किरण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। सभी पितृ भोगी के घर आए, शायद भोजन भोगी के घर में ही मिल जाए। मिला नहीं भोजन तो राख अगियारी की चाटी, गंगा नदी के तट पर आ गए वो तो भूखे। सबके पितृ तो फिर गंगा के तट पर आए, भोजन मिला है सब आपस में रहे बताए। सोचा पितरों ने भोगी जो हो जाता धनवा, हमें भी मिलते सबके जैसे खाने को पकवा। हो जाए धनी भोगी, नाच नाच के गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ किरण से जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। तुम जाना, शायद तुमको खाने के लिए वहाँ पे कुछ मिल जाए। इतना सुनकर बच्चे उस हौदी के पास में आए। पलटा जो हौदी के बच्चे रह गए हैं हैरान, खाली थी जो हौदी बन गई सोने की वो खान। बच्चों ने फिर आकर सारी बात बताई, देखा जो उसने आकर वो भूली नहीं समाई। पितरों की कृपा से वो धनवान हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ किरण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। अगले साल जब पितृ पक्ष लौट के फिर आया, छप्पन भोग सब पितरों के नाम से उनको करवाया है भोज। अपने भाई और भाभी को घर में भी बुलवाया, बड़े प्रेम से ब्राह्मणों को भोजन करवाया। भोगी के भाई ने भी तो इतना लिया है जान, पितरों की कृपा से भोगी हो गया है धनवान। पति पत्नी फिर अपने किए की मां
सुनाई चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ किरण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की कथा सुनाते हैं। पितृ किरण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। सबके तप का हो जाए मेरी देह पवित्र जैसे सभी देवता। जो भी प्राणी एक बार मेरे दर्शन पाए, स्वर्ग लोक मिल जाए उसको ना बाधाए। सब देवों संग बोले ब्रह्मा होगा तथास्तु। मांगे जो वरदान मैं दूं, सभी स्वर्ग को लगे हैं जाने जो दर्शन पाए। अपने आप में फिर तो गया सुर भूला नहीं समाए। बदला विधि विधान देव विचलित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ किरण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। जय हे पितृ महाराज।
अग्नि ताप से किंतु गया सुर लग गया है हिलने। विष्णु जी ने उसकी छाती पर रख दिया है पांव, ताकि गया सुर यज्ञ करते समय हिलने ना पाए। जैसे ही विष्णु जी ने रखा उस पर अपना पांव, दूर हुआ अभिमान है उसका की कृपा की छू। बीस कोस की देह जो उसकी वो ही गया कहलाए, विष्णु पाद जहाँ रखा पांव जगा वो कहलाए। पितृ तर्पण करने यहाँ पर लोग भी आते हैं, पावन कथा सुनाते पितृ किरण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज रखना बच्चों की लाज, जय हे पितृ महाराज रखना बच्चों की लाज। जो यहाँ करेगा रुष्ट कभी उसके पितृ फिर हो ना पाएंगे, गया भूमि पर पिंड दान जो करने आएंगे। विष्णु पाद से गया सुर ने मुक्ति पाई है, यह भूमि सबसे पावन जाति कहलाई है। श्रद्धा भाव से पितरों को जो भोजन करवाए, उसके जीवन में बाधा फिर कभी नहीं आए। पितृ दोष से मुक्त भक्त सारे हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ किरण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज रखना बच्चों की लाज, जय हे पितृ महाराज रखना बच्चों की लाज। समय की भक्तों ये है एक कथा, इंद्रदेव का पुत्र जयंत जब कौवा बन आया, अपनी चोंच से सीता माँ का पाम काट खाया। श्री राम ने चला दिया एक तिनके का है वाण, वाण के आगे उस कौवे ने हार ली अपनी माँ। बोला वो श्री राम प्रभु से कर दो मुझको माँ, बोले राम के जान नहीं लो बस फूटेगी आँख। एक आँख से काना उस कौवे को बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ किरण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज रखना बच्चों की लाज, जय हे पितृ महाराज रखना बच्चों की लाज। करेगा तुमको भोजन दान, सीधा उसके पितरों को वो भोजन जाएगा, पितरों को भोजन करवाने का फल पाएगा। इसीलिए कौवे को सब भोजन करवाते
राजा जग में उनके समान। सोती हुई किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ किरण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। भूल न जाना रखना आया, करके थोड़ा दान मिले जीवन भर आशीर्वाद। पुण्य दान की घड़ियां तो मुश्किल से मिलती है। माफी मांगो हाथ जोड़ के हुई जो गलती है। हंस राज रील हंस पितरों हो गई हो जो हो, नादान समझ कर क्षमा करो। मैं तो चरणों की धूल श्रद्धा सुमन अर्पित करे चरणों में राजेश ठुकराल। हाजी सुरेश के पेत्र भी सदा इनका रखे ख्याल। ठंडे रहते हैं हर दम ना कोप दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ किरण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।